very good. You want it? Take it. Thank you. Okay, bye. Bye. Good morning, sir. Good morning. Have a good day. Thank you. क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? दादाजी, कौन है वो लड़की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। किसकी बात कर रहे हो? अरे वो अपने घर के सामने होम मिनिस्टर रहते हैं ना, उनकी बेटी है। अच्छा, पर वो घूम घूम के सबको फूल क्यों दे रही है? तुम खुद ही पूछ लो, चलो आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ, एक्सक्यूज मी। यस। आप सबको जो फूल दे रही है, इसकी वजह जान सकता हूँ? इन फूलों को सुबह तोड़ो तो शाम तक ये फूल मुरझा जाते हैं, पर तब तक ये मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन की उम्र होने के बावजूद ये फूल मुस्कुराता रहता है, और हमारी उम्र 50 साल की हो या फिर 100 साल की हो, हम बस आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? इन फूलों की तरह ही हर कोई हंसता मुस्कुराता रहे, इसलिए ये सबको बांट रही हूँ। आपका आइडिया तो अच्छा है, पर अनजान लोगों को फूल देने में आपको कोई हिचक नहीं होती? बॉर्डर पर रहने वाले सारे सैनिक हमें जानते हैं क्या? लेकिन हमारी खुशी की खातिर अपनी जान खतरे में डालते हैं ना? ये भी ऐसा ही है। अगर मेरे ऐसा करने से मैं 4 लोगों को भी खुशी दे पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये फीलिंग ही कुछ और होती है। आपका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जमाने में, वो भी इस उम्र में, आपकी तरह सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यू आर रियली ग्रेट। आई विल प्रे कि जैसा आपका दिल है वैसा ही आपको पति मिले। अब तक बॉयफ्रेंड की ही पोस्ट पर है, मेरा हस्बैंड नहीं बना है। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? ये सुनकर आपको शौक क्यों लग गया? इतनी प्यारी लड़की का जिसने दिल चुराया होगा वो कैसा होगा, यही सोच के शौक लगा। अब तो उसे मिलना ही पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो तो चलते हैं ना। इसी वक्त दिल में आई विशेष उसी वक्त पूरी करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नो लाइफ इज शॉर्ट, बिल्कुल इस फूल की तरह। आप बहुत अच्छी बातें करती। वही एक मेरा प्लस पॉइंट है। चलो चलो। ओह, मेरे ससुर जी का लेटर है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बेटे दिलीप, हमें आशा है कि तुम खुश होगे। हम लोग यहाँ ठीक हैं, उम्मीद है तुम भी वहाँ ठीक होगे। इससे पहले मैंने तुम्हें 4 चिट्ठियाँ लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमने तुम्हारी शादी करवाने का फैसला किया है। इस लेटर के साथ साथ उस लड़की का फोटो भी है, फोटो देख लो और अपना फैसला हमें बता दो। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए एक लड़की की फोटो है, वही देख रही हूँ। तुम्हें देखनी है? देखो, तुम्हें एक बार आई लव यू बोल चुका हूँ ना, तो अब मैं किसी और लड़की की फोटो बिल्कुल नहीं देखूंगा। पर मुझे देखनी है। नो, छोड़ो। नो। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी मुझे देखनी है, प्लीज दिलीप। तुम हमेशा मजाक क्यों करती हो? मैं डैड को क्या जवाब दूंगा इसी टेंशन में हूँ। व्हाट्स दिस? नो मींस नो। अगर ये रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। दिलीप नो। I hate you. What? बात मत करना। मधु। Excuse me, madam. हाँ? जरा अपना पैर उठाइए, मुझे फोटो लेनी है। What? गलत मत समझिए, आपके पैरों के नीचे जो फोटो है मैं उसे लेना चाहता हूँ। Sorry. It's okay. हाँ, इसी फोटो के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। कौन है ये? आपकी गर्लफ्रेंड है? ए, नहीं नहीं। तो फिर? इन्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ, भगवान का चेहरा देखने गया तो इनका फोटो दिख गया, और इन्हीं की वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए ये जहाँ कहीं हो इन्हें एक बार ढूंढ कर तो मुझे थैंक्स बोलना है। आपका ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया। अपना फोन नंबर दे दीजिए, अगर मैं इस लड़की को कहीं देखूंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा यार? I'm so sorry. तुम भी यहाँ? फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए आए। ओह दैट्स नाइस। पहले तुम मेरे जानते हो? हाँ, ये कल मेरे फ्लैट के पास किसी लड़की का फोटो लेकर उसे ढूंढ रहा था। ओह, वो मिली क्या? नहीं, अब तक नहीं, बस ढूंढ रहा हूँ। एनीवेज, आई एम दिलीप। हाय, आई एम चिरू। दिस इज माय गर्लफ्रेंड मधु। हाय, दिस इज श्रीनी द बर्थडे बॉय। हाय, हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट यार, तुम लोगों के होते हुए भी ये पार्टी इतनी बोरिंग कैसे हो सकती है? कुछ करो यार। अरे भाई, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना चिरू है ना वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन, बहुत बढ़िया डांस भी करता है। नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अरे इनकी बात मत मानिए।
क्या बात है, आप इतना टेंशन में क्यों भाग रही थी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे अकेली आई हैं? आपका हस्बैंड कहाँ पर है? इसी ट्रेन में है। ओ, इसी ट्रेन में है, अच्छा है तो फिर ठीक है। ओके, तो हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो? शादी कहाँ हुई जो हनीमून के लिए जाएंगे? मतलब आप दोनों की शादी नहीं हुई? उस सुंदर ने आप दोनों की शादी नहीं करवाई क्या? हमारी शादी तुम्हारी वजह से ही रुकी है। क्या कहा, मेरी वजह से? अरे वो तो मेरे साथ झगड़ा करने आया था, तो फिर शादी क्यों रुकवाई? मेरे पापा शादी के लिए राजी नहीं है इसीलिए। ऐसा क्या, आपके पिताजी का और उसका क्या संबंध है? मेरे पापा होम मिनिस्टर हैं और वो उनका चेला है। क्या? आपके पापा होम मिनिस्टर हैं? अच्छा वो तुम्हारे साथ झगड़ा क्यों कर रहा था? हाँ वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक मिनट, करना उसके अलावा अगर कुछ हीरो गिरी दिखाने की कोशिश की ना तो फिर तू तो गया। ए, तू बाज नहीं आएगा तो हमारी मैडम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बेटा तू साइन करने के लिए आया है या फिर खुद शादी करने आया है? अभी पता चला, वो लोग इतने दिनों से ये समझ रहे थे कि मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि आप है, इसलिए वो लोग मुझसे झगड़ा कर रहे थे। मतलब रजिस्टर ऑफिस में वो लोग जिस लड़के के बारे में बात कर रहे थे वो तुम हो? हाँ वो बैड लक पर्सन मैं ही हूँ। मैंने सोचा था सेंटिमेंटली मुझे बैंगलोर वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम वर्कआउट हो गया। मतलब नेक्स्ट स्टेशन पर हमें पुलिस वाले मिल जाएंगे, उनके पास जाकर मैं कहूँगा कि होम मिनिस्टर के बेटी का लवर मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो मेरा काम बन जाएगा और मुझे छुटकारा मिल जाएगा और मैं आराम से जी सकूंगा। ओहो, अगला स्टेशन तो अभी आ ही गया, अब कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। किरु, यू आर अ लकी पर्सन। अरे ये कहाँ गई? अदु जी, अरे रुकिए, तो रुक जाइए ना। अरे आपको अकल नहीं है क्या? मुझे आपका लवर समझकर आपके पिताजी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, अगर इसी बीच आपको कुछ हो गया तो आपके पिताजी मुझे छोड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं का क्या मतलब, मैं आपको आपके पिताजी के पास सौंप दूंगा और कह दूंगा कि मैं इसका लवर नहीं हूं, उसके बाद आप देख लेना क्या करना है वो। Did I interfere in your business? क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो तुम? क्योंकि मैं फंस गया हूँ, मैं आपका लवर नहीं हूँ, आपके लवर का चेहरा किसी ने नहीं देखा है और हर कोई मुझे ही आपका लवर समझ रहा है, अब समझ में आया? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मतलब हेलो, डोंट टच मी। ओके सॉरी, मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा क्या? एक काम करो, मेरी शादी की फोटो पेपर में आने तक तुम चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाओ। ओके, अंडरग्राउंड होकर छुप जाऊं? कमाल है, मैं कुछ और कह रहा हूं और ये कुछ और कह रही है। हेलो रुकिए, मधु जी अरे मेरी बात तो सुनिए, रुकिए तो मधु जी, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मधु जी सुनिए तो, अरे मधु जी, अरे एक मिनट बात सुनिए, मधु जी रुकिए ना, अरे बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? रुकिए तो सही। Hey, कहाँ जा रही हैं आप? Please leave me. बोलिए तो सही। Please. अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हैं आप? Hey, अब मैं और नहीं भाग सकता, उम्र हो गई है, बीपी शुगर भी है। मैडम चलिए हमारे साथ। प्लीज सुंदर भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे प्यार से दूर मत कीजिए। अरे आपके प्यार मोहब्बत से हमें कोई मतलब नहीं है मैडम, सर आपके लिए बहुत परेशान है, चलिए चलते हैं। प्लीज सुंदर भैया। अरे आप सुनती क्यों नहीं, चलिए। हाँ बोलना। आपको एक बात बताता हूँ। हाँ अभी आपको ये पता तो चल गया ना कि इसका लवर मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है। ओ देवी माँ, आपकी वजह से मैं बहुत टॉर्चर हुआ हूँ, अभी यहाँ से आप चली जाइए। हेलो, अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, ले जाओ इसे। अरे ले जाओ यार इसे। पागल है क्या, या फिर हमें पागल समझ रहा है तू? अब ये कौन सा नया नाटक है तेरा? मजाक मत करो चीरू, मैं तुम्हारे भरोसे इतनी दूर तक आई हूँ, इस तरह से अपने प्यार को छोड़ दोगे तुम? प्लीज चीरू ऐसा मत कर। जाओ, मेरे साथ नाटक कर रही हो क्या? प्लीज मैं हाथ छोड़ती हूँ। इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बहुत ही चालाक लड़की है, इसे ले जाओ अपने साथ, जाओ। ये तो दोनों ही नाटक करने लगे। हाथ छोड़ती हूँ, ऐसा मत कर। हाथ मत लगाना मुझे। यहाँ हम ड्रामा देखने नहीं आए। इसे खिलौना समझा है क्या? ये गन है,
ट्रिगर दबाया तो आसमान में उड़ जाएगा। क्या तेरा सड़ा हुआ भेजा? पहले अपना तो भेजा संभाल। कहाँ जाएगा बे? मत मारो। मत मारना, मत मारना मुझे। क्यों? डायबिटीज है, गैंग्रीन हो जाएगा। वो तो तुझे होना भी चाहिए, तभी तो तेरे से छुटकारा मिलेगा। ये रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, अरे तुम्हें अकल बकल है कि नहीं? अभी मैं तुम्हारा लवर हूँ समझकर वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैं सचमुच का तुम्हारा लवर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग मुझे अपने साथ ले जाते। हाँ तो क्या, जो मुँह में आएगा बोलोगी क्या? ऐसा है तो मुझे दिलीप के पास ले चलो तुम। क्या कहा? दिलीप के पास ले चलूं? लगता है सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने किसी से प्यार किया होता तब मेरी फीलिंग समझते। ओ देवी माँ, मुझे ये लव शव के फंडे नहीं समझ आते। अभी मैं तुम्हें दिलीप के पास ले चलता हूँ, उसके बाद तुम दोनों की शादी करा दूंगा, फिर मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या सरदर्द है यार। चलो ले चलता हूँ तुम्हें। पता नहीं किस जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो ये मुसीबत पीछे पड़ गई मेरे। चिल्ला तो पड़ी गई। यहाँ क्या कर रही हो मधु? वहाँ बोर हो रही थी इसलिए यहाँ चली आई। तुम मुझसे ही झूठ बोल रही हो क्या? कल जो हुआ था उसी के बारे में सोच रही हो ना तुम? Am I correct? ऐसा कुछ नहीं है। वो सब मैं जानता हूँ। देखो मधु, पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे जो होने वाला है उस जिंदगी के बारे में सोचो। चलो यहाँ से चलो। क्या हुआ मधु? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी तो तुम जवाब दोगे। हाँ पूछो। दिलीप मुझसे शादी करने वाला है, इसकी वजह उसका प्यार है या फिर तुम?